भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। पीएम मोदी और करोड़ों भारतवासियों का बुलेट ट्रेन का सपना अब सच होने वाला है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की। आज नरेंद्र मोदी का सपना साकार होने जा रहा है। बुलेट रेल प्रोजेक्ट का काम बुलेट स्पीड से चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम से महज 2.5 किलोमीटर दूर साबरमती इलाके में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2017 को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी और मल्टी मॉडल साबरमती रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक प्रणाली के साथ बुलेट ट्रेन का मल्टी मॉडल हब तैयार किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका निरीक्षण भी कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन जो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहला सेक्शन, इस सेक्शन में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। करीब करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा पिलर्स बन चुके हैं, जितने भी स्टेशन्स हैं सभी स्टेशन पे तेजी से काम चल रहा है। अहमदाबाद साबरमती रेलवे स्टेशन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार किया जा रहा है। इस साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की विशेषताएं देखिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और अहमदाबाद में उसका जो स्टेशन बनने जा रहा है, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है वो तैयार किया गया है। ये भवन पूरा निर्माण हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जो साबरमती, पूज्य महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और दांडी यात्रा की जो झांकी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। वो उसका लेआउट पूरा तैयार हो रहा है और काम भी चल रहा है। लेकिन इसके हब में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट दिया गया है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब दिया गया है क्योंकि यहाँ से जो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और जो अभी वर्तमान ट्रेन चल रही है और BRTS, सारे स्टेशन, सारे ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिल सकते हैं। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब करीब 332 करोड़ की लागत से तैयार होगा। 35,44,800 स्क्वायर मीटर पर हब तैयार किया गया है। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बिल्डिंग में ए और बी ब्लॉक में तैयार किए गए हैं। ए विंग में ऑफिस और बी विंग में होटल। ब्लॉक ए में ग्राउंड फ्लोर समेत 9 फ्लोर होंगे। ब्लॉक बी में ग्राउंड फ्लोर समेत 7 फ्लोर होंगे। फुट ओवर ब्रिज के थर्ड फ्लोर पर बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। फुट ओवर ब्रिज के सेकंड फ्लोर पर मेट्रो स्टेशन और BRTS बस स्टेशन होगा। सुरक्षा के लिए सभी जगहों पर CCTV लगी होगी। 11 लिफ्ट और 8 एक्सेलेटर होंगे। साबरमती स्टेशन के चौथे और सातवें फ्लोर पर टेरेस गार्डन बनाया जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन तक वाहन पार्किंग की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में पार्किंग की समस्या नहीं होगी क्योंकि 3 मंजिल तक पार्किंग बनाई गई है। 1200 से अधिक वाहनों को पार्क करने वाली विशेष सुविधा बनाई जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांग वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। अहमदाबाद साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन पे सबसे ज्यादा अहम बात होगी पार्किंग की। यहाँ जो ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है उसमें विशेष ध्यान पार्किंग का रखने के लिए सुविधा की गई है क्योंकि अहमदाबाद में सबसे महत्वपूर्ण है पार्किंग की व्यवस्था। तो 1200 जितना व्हीकल यहाँ पार्क हो सके इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई है। अलग अलग रैंप बनाया गया है, बस के लिए अलग है, थ्री व्हीलर के लिए अलग है, टू व्हीलर के लिए और टैक्सी वे, इसके सारे अलग अलग व्यवस्था की गई है। जो ये मंजिल 9 फ्लोर की ये मंजिलें तैयार हो रही है उसमें 3 मंजिल तक पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। 1200 से ज्यादा जो व्हीकल है यहाँ पार्क हो सकता है। 332 करोड़ की लागत से तैयार होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ये प्रोजेक्ट कितना शानदार होगा देखिए इस प्रोजेक्ट मॉडल में। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और अहमदाबाद साबरमती में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब पूरा बनेगा तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट का एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है
जो उसकी एंट्री है, तो यहाँ से एंट्री होगी, वहाँ से बस, टैक्सी, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स, सारी जो व्हीकल है उसके लिए एंट्री होगी। तो इसकी जो 9 मंजिलें हैं उसमें 3 फ्लोर तक पूरी पार्किंग की व्यवस्था है, 1200 से ज़्यादा पार्किंग, व्हीकल पार्किंग के लिए सुविधाएँ दी गई है। तो ये पूरी बिल्डिंग 2 तरह की बिल्डिंग है, एक जो 9 फ्लोर है और दूसरी जो बी है उसमें 7 फ्लोर है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में पहुंचने के बाद अगर आप देश के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से बुलेट ट्रेन स्टेशन 150 मीटर दूर है और मेट्रो स्टेशन 300 मीटर दूर है। BRTS 150 मीटर और न्यू रानी बस स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है और RTO सर्कल 1.5 किलोमीटर दूर है। SG हाईवे 7 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट भी 7 किलोमीटर दूर है, जिससे आवागमन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की विशेषताएं, अहमदाबाद और मुंबई के बीच की दूरी 508.5 किलोमीटर होगी। बुलेट ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 2.07 घंटे में 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन होंगे। गुजरात में 8 स्टेशन वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, नडियाद, अहमदाबाद और साबरमती होंगे। महाराष्ट्र में 4 स्टेशन मुंबई, ठाणे, विरार और बोईसर होंगे। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम बुलेट स्पीड से चल रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहले सेक्शन में 80 किलोमीटर से अधिक पिलर्स तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही समुद्र से बुलेट ट्रेन की सुरंग बनने जा रही है। टेंडर प्रक्रिया अभी बाकी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। हालांकि अहमदाबाद के साबरमती में बुलेट ट्रेन स्टेशन जापान के शिंकानसेन डिजाइन के आधार पर तैयार किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए कैमरामैन नीलेश सोसा के साथ विभू पटेल, अहमदाबाद।